पाकिस्तान का गृह युद्ध, इमरान खान का गृह जो लॉन्ग मार्च था अब तक चल रहा था, लेकिन उस घटना के बाद जहां उन्हें पैर में गोली लगी तब रुक गया था, लेकिन अब फिर से शुरू होने वाला है इमरान खान का लॉन्ग मार्च। कल से पाकिस्तान के पूर्व पीएम का ये मार्च शुरू होगा। बड़ी खबर, वजीराबाद से फिर शुरू होगा इमरान खान का लॉन्ग मार्च। वजीराबाद में गोलीकांड के बाद रुक गया था ये लॉन्ग मार्च, तो इमरान खान एक बार फिर सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपने आरोपों, अपनी बातों को लेकर लॉन्ग मार्च को आगे शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उसी जगह से शुरू होगा जहां पर रुका था, यानी वजीराबाद में इमरान खान का लॉन्ग मार्च एक बार फिर से शुरू होगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, लॉन्ग मार्च को लेकर इमरान खान ने आखिर कहा क्या है। लॉन्ग मार्च मंगलवार को हम वजीराबाद से शुरू करेंगे, शुरू होगा वजीराबाद में। मुझे और 11 लोगों को गोली मारी गई थी। वजीराबाद में गोलीकांड के बाद ही रुका था ये मार्च। वजीराबाद में मुअज्जम शहीद हुए थे, इमरान खान का बयान। इन्होंने और इसके ऊपर आप बयान लगाऊं, ये जो हुआ, ये जो मुझे ये गोलियां लगी, ये साजिश क्या थी? इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान को। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तोहीन की है या तोहीन रसालत की है। उसके ऊपर कोई इन्होंने टेप्स टूप्स बनाई। पहले तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि इमरान खान ने दीन की तोहीन की है। उसके बाद प्लान इनका ये था जो इन्होंने किया इस दिन ये वजीराबाद में, कि कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर दिया जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इसने कोई मजहब की तोहीन कर दी। ये प्लान बना। मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं फिर निकलूंगा सड़कों पर, फिर मैं कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा, इसलिए कि इस कौम के ऊपर अगर इन चोरों ने और इन जालिमों ने हुक्मरानी करनी है, और अगर हम अब्बासियत कौम इसको एक्सेप्ट कर गए। सुना आपने इमरान खान को, लेकिन बड़ी खबर यह कि इमरान खान ने मेजर जनरल फैजल नसीर पर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर, मेजर जनरल फैजल नसीर, और फैजल नसीर को हमले का मास्टरमाइंड बताया है। मुझ पर हुए हमले में मेजर जनरल फैजल नसीर शामिल हैं, ऐसा इमरान का आरोप है। पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पर भी आरोप इमरान खान ने लगाए हैं। तीन लोगों ने बनाया, सबसे पहले राणा सनाउल्लाह। राणा सनाउल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि राणा सनाउल्लाह एक कातिल है। राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में वो 12 लोगों को कत्ल किया था और 70 लोगों को गोलियां लगी थी, सबके सामने 79 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी मॉडल टाउन। वो क्यों चलाई? क्योंकि तायरुल कादरी ने एक साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर लॉन्ग मार्च की थी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 1990 यानी 1997 में जब चीफ मिनिस्टर था और 99 तक जब चीफ मिनिस्टर रहा। इससे कोई 900 कत्ल करवाए थे पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर ने टीवी के आपको ऊपर आके स्टेटमेंट दी थी कि ये कैसे लोगों को मरवाता था पुलिस मुकाबले में। यही शहबाज शरीफ जब इसका एफआईए में 16 अरब का जो केस था और 8 अरब का उसमें नैब में, तो जो 16 अरब के केस थे जो नौकरों के मुलाजमों के नाम में रमजान शुगर मिल के इन्होंने पैसा लिया और फिर अपने खानदान में बांटा, इन्होंने 5 मुलाजमों को वो मरे हार्ट अटैक से
किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आपके साथ ये लोग एकदम दो महीने में छह लोग आकर हार्ट अटैक कैसे मर गए। कभी किसी ने ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि राणा सनावला के ऊपर जो कोई एक कस्टम ऑफिसर या वो कोई इसका इन्वेस्टिगेट इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन थी, उसने कैसे एकदम खुदकुशी कर ली। उसके बाद ये दो इन्होंने इस प्लान के अंदर ये शामिल हुए और साथ मिल गया इनके जनरल मेजर जनरल फैसल। फैसल क्यों? फैसल इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी के ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो मैं इनको ठीक करता हूं, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इनको इस पार्टी को ठिकाने लगा। और बड़ी खबर इस वक्त की इमरान खान की, और बढ़ सकती है मुश्किलें। असीम मुनीर अब अगला आर्मी चीफ बन सकता है। इमरान का कट्टर दुश्मन है असीम मुनीर, पीएम हाउस की जासूसी कर चुका है असीम मुनीर। इमरान के पीएम रहते हुए जासूसी को अंजाम दिया गया था असीम मुनीर के जरिए। असीम मुनीर अगला आर्मी चीफ पाकिस्तान का बन सकता है। और कौन है असीम मुनीर ये भी हम बता देते हैं। अक्टूबर 2018 में आईएसआई चीफ का पद संभाला था। कौन है असीम मुनीर? असीम मुनीर ने महज 8 महीने ही ये पद संभाला था। असीम मुनीर ने पीएम हाउस की जासूसी भी की थी जहां इमरान रहते थे। इमरान के भ्रष्टाचार के बारे में असीम मुनीर ने बताया, कमर जावेद बाजवा के बेहद करीबी है असीम मुनीर। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर रावलपिंडी में तैनात है।